हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड, देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और हमारे छत में माशाल्लाह बम्पर हार्वेस्टिंग रेगुलर हो रही है। बहुत अच्छी सब्जियाँ इन दिनों हो रही है और ये सब्जियाँ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश होती हूँ मैं, क्योंकि जो मैं मेहनत की वो रास आ गया और फ्लावर के साथ साथ वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से छत पर हो रहा है। तो मैं कंटेनर तो बहुत अच्छे से रेडी करती ही हूँ और देखिए अब हमारे सब्ज़ी तोड़ने का टाइम आ गया है। आज लौकी की बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है और ये लौकी का बेल एक पिलर पे चला गया है और वहाँ से मैं दो लौकी पहले भी हार्वेस्ट की थी और आज तीन चार लौकी वहाँ से और हार्वेस्टिंग होगी। तो फ्रेंड देखिए, नाजिस ढूँढ ढूँढ कर निकाल रहा है वहाँ से लौकी। तो पिलर पे जब चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे, इसलिए मुझे वो लकड़ी का निशान लगाकर वहाँ से हार्वेस्टिंग करवाना पड़ता है। और देखिए अभी हमारे छत पे बहुत सारी लौकी लगी हुई है। तो इन दिनों लौकी, तोरई, झींगी और भिंडी, सतपुतिया माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। इतना हो रहा है कि मैं खा कर बांट भी रही हूँ, तो बांटने का मज़ा कुछ और ही है। और देखिए इस तरफ हमारा मिर्ची, जो कुछ मिर्ची में अब लीफ कर ला गया है। देखिए इसकी पत्तियाँ एकदम मुड़ मुड़ सी जा रही है, तो इसका भी मैं उपाय कर दी हूँ। इसमें जो मिर्ची लहसुन का कुचला बनाकर उसका जो जूस निकाल कर छिड़का जाता है वो काम की हूँ, तो देखती हूँ कि वो कब ठीक होता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं उसे निकाल कर फेंक दूँगी और दूसरा मिर्ची का पौधा लगाऊँगी। और देखिए इस तरफ हमारा लौकी किस तरीके से हार्वेस्ट हो रहा है और घर का ऑर्गेनिक लौकी का मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए एक जगह से चार लौकी हार्वेस्ट हो गया, ये दूसरी जगह से था, ये पाँच एक छः लौकी देखिए आपके सामने हार्वेस्ट हुआ है। और साइज़ देखिए, कलर देखिए लौकी का। तो जिन व्यूवर्स फ्रेंड लोग को ये लगता है कि छत पे बहुत अच्छे से वेजिटेबल नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही देखने का है या बोलने का है, तो मैं साबित कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ हार्वेस्ट करके कि देखिए हमारे छत से कितना अच्छा वेजिटेबल निकल रहा है। स्टार्टिंग का एक आध महीना अच्छे से काम कीजिए, ऐसा नहीं है छत पे गार्डनिंग कर रहे तो मेहनत तो होता ही है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा मेहनत करके इतनी अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल अपने छत से ले सकते हैं, तो क्यों ना थोड़ा मेहनत करें और घर से ही इतना अच्छा ऑर्गेनिक वेजिटेबल लें। तो देखिए एक मेरी व्यूअर्स फ्रेंड ने पूछा कि आप अपने छत को खेत कैसे बनाई, तो मैं अपने छत को खेत मतलब अचानक से नहीं बना दी, धीरे धीरे बना और बस बनते ही चला गया। एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है जब आप पौधा लगाओगे और आप उससे जुड़ोगे और उसके साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और दिन ब दिन कंटेनर बढ़ते ही चला जाएगा। बस छत का ध्यान रखना होता है कि कौन से एरिया में कंटेनर रखे या नहीं रखे। तो बरसात में माशाल्लाह खेत बन ही जाता है, हरियाली बहुत अच्छे से हो जाती है। समर में इतना ज़्यादा बेल नहीं फैलता है और विंटर में भी कुछ बेल वाला ऐसा सब्ज़ी नहीं होता है, लेकिन ये जो बरसात होता है इस टाइम में बेल बहुत अच्छा से फैलता है और वेजिटेबल भी बहुत अच्छा छत से निकलता है। तो आराम से आप छत पर गार्डनिंग कीजिए, आपका भी छत खेत बन जाएगा और आप अपने छत का मज़ा लीजिएगा। और देखिए हमारे छत से किस तरीके से खेत के जैसा हार्वेस्ट हो रहा है। तो इन दिनों मैं इतना सारा सब्जियां हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स लोग को और रिलेटिव में सब जगह बांट करके भी हमारी सब्जियां बहुत सारी बच रही है। तो देखिए बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमारे छत से हो रही है और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग देख करके सच में मन बहुत खुश होता है और सच पूछिए एकदम मतलब दिल बहुत खुश होता है, देख करके लगता है कि हाँ मैं इतना मेहनत की तो आज मेरा मेहनत का फल मिल रहा है। और सारी सब्जियां तो खुद नहीं खाती हूँ, बांट करके खाने का मज़ा कुछ और है। आप जब अपने हाथ से लगाइएगा कोई भी पौधा और उसका फ्रूट्स या वेजिटेबल जब बांटिएगा तो उसका सुख ही अलग होता है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ कि क्या फीलिंग्स होती है। और देखिए हमारी सब्जियाँ एक टेबल हो गई है टूट करके, अभी और टूट ही रही है। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा वेजिटेबल हार्वेस्ट हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा। और आप लोग का कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है कि कैसा कमेंट्स आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और देखिए झींगी अभी हमारे गार्डन में बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इस टाइम में जो वेजिटेबल हमारे छत पर हो रहा है, जैसे झींगी, तोरई, लौकी, भिंडी,
सतपुतिया, ये मैं मार्केट से तो लेना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छे से ये वेजिटेबल हो रहा है। हाँ, इसके अलावा जो और भी वेजिटेबल्स होता है, जैसे कि बीन्स हो गया, किक्सा हो गया, वो सब एक दो वेजिटेबल मुझे मार्केट से भी, कभी कभी बच्चे लोग खाते खाते उब जाते हैं तो मुझे बाहर से भी लेना पड़ता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक उगा रही हूँ तो बच्चों को ऑर्गेनिक ही खिलाऊँ। लेकिन देखिए कितना सारा हार्वेस्ट हुआ है हमारे छत से वेजिटेबल, और इतना जब अच्छा हार्वेस्टिंग होता है तो बहुत सुकून फील होता है और लगता है कि और भी मैं काम करूं छत पे। और सच पूछिए तो वाकई में गार्डनिंग ब्रेन थेरेपी का काम करता है, मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग। और फ्रेंड, आप जब गार्डन करोगे, आप अपने छत पे कोई भी वेजिटेबल लगाओगे, जब उससे फ्रूट या फ्लावर जब खिलना शुरू होता है, फ्रूट बनना शुरू होता है, तो सच में सारा थकान दूर हो जाता है। ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है, ड्राई लीफ को एकदम कंपोस्ट होया हुआ है, और इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिला करके अब अपने गार्डन के टोटल कंटेनर में डालूंगी दो दो मुट्ठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग इस बार हो गया है और बहुत सारा बेल में फ्रूट्स लगा हुआ है, तो मुझे ये काम करना ज़रूरी है। अगर मैं साथ के साथ नहीं करूँगी तो मैं भूल जाती हूँ, दूसरे काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो देखिए इतना सारा हार्वेस्टिंग हुआ है हमारे छत पे। देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।